नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति और पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म से आहत पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सुबह जब घर वालों को पता चला तो अस्पताल ले गए। पति की रास्ते में ही मौत हो गई। पत्नी को डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। 30 वर्षीय नवल किशोर और उनकी 27 वर्षीय पत्नी मौत के बाद परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया कि बीते शनिवार दोनों दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मृतका ने परिजनों से मौत से पहले अपनी बात बताई थी, जिसके आधार पर दो युवकों के खिलाफ परिजनों ने दुष्कर्म की तहरीर दी। आशंका जताई जा रही है कि घटना से आहत पति पत्नी ने बिना किसी को कुछ बताए जहर खा लिया। घर के पीछे जहर की पुड़िया और स्टील का ग्लास भी परिजनों को मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। घटनास्थल का SP गोपाल चौधरी ने निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए। SP ने कहा कि पति पत्नी ने जहर खाने से मौत की सूचना मिली थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दो अभियुक्तों को दुष्कर्म के आरोप में अरेस्ट किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। बस्ती समेत देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।